दीदार भाई के बागात देखने के बाद हम गामजन हुए हुसैनी ब्रिज, बतूरा ग्लेशियर और सुस बाजार की तरफ। चूंकि ये महीना नवंबर का है तो हुसैनी ब्रिज बंद किया हुआ था। चाय पिला दो। चाय चाय चाहिए? कौन सी जनाब? लेफ्टिनेंट लाजवाब। ये जो बंदा जिस इलाके से आता है वो यहाँ पे पैसा छोड़ के जाता है। सर, ये 2017 से मैंने ये काम स्टार्ट किया सर। यहाँ पे एक ब्रिज है, वो पुल देखने के लिए टूरिस्ट लोग ज़्यादा आते हैं। फिर मैंने अपने बरसात के मुताबिक ये गाबा सेटअप किया है, तो वो फिर जो ना इसी तरह से, फिर जो ना मैं कुछ चाय, कॉफ़ी, बोयलंडा, डाव डाव ऐसा करके फिर जो ना अपना निज़ाम चलाता हूँ। फिर ये लो। और ये डॉलर की कहानी और नोटों की कहानी कहाँ से शुरू हुई, कब शुरू हुई? सर ये वाकई नहीं से शुरू हुआ सर, 2017 में। ये मेरे कस्टमर की यादें हैं सर। इन्होंने मुझे जो फीस दिया हुआ 1000 रुपये फीस, तो 1000 रुपये फीस के खातिर जमानत थी मेरे पास प्रिजर्व हो रहे सर, क्योंकि वो दोबारा हाथ है देखने के लिए कि मेरी यादें हैं या नहीं है। तो फिर उस पर विजिट लेके फिर दोबारा 200 रुपये देते हैं, तो ये इसी वजह से मेरे पास प्रिजर्व है सर। इस तरह करते करते तो दुकान भर जाएगी, फिर कहाँ रखोगे? ये वैसा ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर हो गया, तो उन्होंने कहा कि अगर कहीं फंडिंग आ गई तो फिर हम इसको म्यूजियम की शक्ल में जो ना एक तरतीब में डालेंगे सर। हाँ, ये 2017 से इस रोक से शुरू हुआ था। फर्स्ट रोक ये कौन सा है? फर्स्ट रोक ये किसने लगाया था? ये ऑस्ट्रेलिया की खातून थी जिसने चाय का कप पेंट करके यहाँ पे ऐसे ही रखा था, तो इसी को लोगों ने देखते हुए 2017 से ये सैनिटाइजर की शक्ल में, सिक्के की शक्ल में, चेक की शक्ल में और मास्क की शक्ल में। अब मास्क शुरू हो गया है मुख्तलिफ किस्म कोरोना की वजह से। ये कहानी सर। चाय पिलाते हो सब? लेकिन आपने अपना तारुफ नहीं कराया मुझे और मैं परेशान हूँ कि ये क्या बला हो रहा है मेरे साथ। नहीं, कुछ नहीं हो रहा, मैं एक सादा इंसान हूँ सर। आप हमें एक कप दे दो, हम सब पी लेंगे, छह पी लेंगे, पर हेड निकाल लो भाई 350 रुपए का। गिला में 350 रुपए की कॉफी नहीं पी। सबर करो ये, इधर ये सुबह से आया हुआ है। चाय तो पिला दो ना यार। भाई चाय पिला, चीनी डाल के चमचा हिला दो। और अब हम जा रहे हैं बतूरा ग्लेशियर की जानिब, और रास्ते में हमें ये बुजुर्ग खातून दिखी, मगर आप यकीन जानिए ये हमसे पहले उस जगह पर मौजूद थी जहां इन्हें जाना था। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अब हम पहुंच गए ग्लेशियर की तरफ, ग्लेशियर पे मौजूद हैं। मज़ीद छोटी सी ट्रैकिंग करनी है, अपने आप को पैक कर लिया अच्छे तरीके से, ट्रैक बना हुआ है, बस जो भी आए एहतियात से आए और अपने आप को पैक कर कर आए। ये ऊंचाई है, वहाँ तक जाके देख सकते हैं आप।
सुभान अल्लाह, ये मैं आपको दिखाता चलूं, अल्लाह की कुदरत देखें, कितने छोटे से पत्थर से रुका हुआ है, इतने बड़े हजम का पत्थर, और साथ में इसमें एयर स्पेस देखें, सुभान अल्लाह, ऐसे ना जाने कितने एयरवेज होंगे अल्लाह ताला ने बनाए हुए। नक्शनिगारी देखें, सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। तो ये रहा हमारा बेहतरीन सा वाइट ग्लेशियर्स। पहाड़ पे जाएंगे कब? जिस दिन चले। तो चाहे ऐसा नहीं है, मगर वो जो पानी आ रहा था ना दीदार के पास इसी पुल में, वो इसी का है। ये मेल्ट जो जो अब सर्दी हो रही है, अब इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम हो रहा है, ये है 0 पॉइंट। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं जिस पे स्नोफॉल हुई भी है, ये हैं पस्सू कोन्स। ये पूरा एक सिलसिला है, उसकी बैक साइड है, और ये 0 पॉइंट के ऊपर इस वक्त मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ से मैं आपको नज़ारे कर रहा हूँ अल्लाह की कुदरत के, कि सुभान अल्लाह कहने का दिल चाहता है। बॉयज आवाज़ दे रहे हैं, चलते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंट मेरे पास है, होटल में चाय पी लिए तो अब पैसे देने होंगे। हाँ जी, हाँ भाई, मैंने इसको मजा आ रहा होगा, आवाज़ ऊपर गूंज रही होगी, कसम से यहाँ तक आवाज़ आ रही थी, बहुत तेज आ रही थी। यानी शूट में तो यही होता है ना, कंटेंट अब नहीं है ना। सुस्त बाजार बंद होने की वजह से हम आपको दिखा नहीं सके, और इससे पहले एक गांव में हमने कयाम किया। कयाम क्या, वो तो बहुत बड़ा एहतमाम हो गया, हमने वहां चाय पी और फिर देखें कि क्या क्या हुआ। भाईजान, पहले तो अस्सलाम वालेकुम, खुंजराव कैफ़े में वेलकम मैं करता हूँ अपनी तरफ से। तो ये खुंजराव कैफ़े हमारा मेन जो ब्रांच है वो आगे सुस्त बाज़ार में है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर पे आगे सुस्त बाज़ार, वहाँ पे इसकी ब्रांच है। ये छोटा सा जो क्या अपना रेस्टोरेंट हमने ओपन किया, ये गांव गुली गिरचम है, तो इसको तकरीबन ये कोई 4 से 5 साल होने को जा रहा है। सर, मेरा जो बड़े भाई है अहमद, हमने ये काम उनसे सीखा है, उनका ज़्यादातर टाइम उन्होंने लगाया कराची में, तो वहाँ पे मुख्तलिफ रेस्टोरेंट में काम किया है, तो कुकिंग के बारे में उन्होंने काफ़ी कोर्सेज किया है, वो तो हमें काम सिखा देते हैं। यहाँ पे हम 3-4-5 भाई लोग हैं, तो हम लोग तकरीबन सब जो नहीं ये काम कर लेते हैं, कुकिंग हम खुद कर लेते हैं। ट्राउट फिश कहाँ से लेते हैं आप? ट्राउट फिश के ये सर कि इस छोटे से गांव में जो नहीं है, कम्युनिटी बेस पे लोगों ने जो ना फिश फॉर्म बनाया हुआ है, ट्रायल बेस पे बनाया था, वो यहाँ पे जो कामयाब हो गया, उसके बाद जो नहीं यहाँ पे ट्राउट फिश की जो है प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो इसी गाँव से ये अपना हम ले लेते सर। बेहतरीन सीज़न क्या है टूरिस्ट? टूरिस्ट का ये सर कि 4 मौसम है, तो 4 मौसम अपना मौसम में लोग पसंद कर लेते हैं यहाँ पे। तो जुलाई अगस्त में ये कि डाउन में जो है अपना गर्मी ज़्यादा आता है, तो उस ज़्यादा होता है, उसकी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा आ जाते हैं।
तो इस टाइम जो है अपना स्पेशली जो है खुंजराब कैफे की तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो डोमेस्टिक टूरिज्म आ रहा है तो उनके लिए सहूलत ये दे रहे हैं कि सर्दियों में बर्फ़बारी होता है यहाँ पे, हमने जो 4x4 जो है ना अपना गाड़ियाँ यहाँ पे अरेंज करके रखे हुए हैं, साथ में बड़ी सी अपना हॉल रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, फिर ये कि साथ में हमारे पास वॉशरूम वो चीज़ें अपना बनाए हैं ताकि जो ना सर्दियों में जो ना लोग आ जाए यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे पॉइंट्स है, वहाँ पे जाए और टूरिज़्म को जो नहीं सर प्रमोट करे, हम जो नहीं उसके लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं सर्दियों में ताकि जो ना अपना यहाँ पे जितने भी बर्फ़बारी हो उनके लिए हीटिंग का निज़ाम हो, उनके लिए फूड अच्छा हो और साथ में जो ना वॉशरूम का जो सिस्टम है वो अच्छा हो। मैं बिल्कुल अपना टूरिस्ट को ये अपना मैसेज देना चाहूँगा कि अभी इस टाइम जो मौसम जो है ठंडा हो गया है तो आप ज़रूर आ जाए, खूबसूरत जगह है, अच्छा जगह है यहाँ पे, जिसने अपना बर्फ़बारी देखना है ये बर्फ़बारी का सीज़न है। तो हम लोग इधर बैठे हुए हैं तो कैफ़े हमारे पास है, हमारे पास वॉशरूम का निज़ाम है, हमारे पास 4x4 गाड़ी का सर्विस है, तो हम कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी दोस्त आएंगे भाई आ जाएंगे सबको जो हम वेलकम करेंगे और इंशाल्लाह उनको जो ना कोई ऐसे शिकायत का मौका नहीं देंगे कि ताकि उनको यहाँ से जो ना मतलब खुद को बुरा समझ, कोई बुरा समझ के यहाँ से जाए, उनको कोशिश करेंगे हर तरीके से इंटरटेन करने की। और अपने विलेज को आपने कैसे मॉडर्नाइज किया? सर विलेज में ये है सर कि एक तो फिशरी अपना फिश फॉर्म बनाया हमने, दूसरा ये कि सर कि अपना छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट हमने बनाया है जिससे ये अपना बिजली यहाँ पर जो ना कोई आई थिंक 60 घराने वहाँ पर जो अपना बिजली जो ना अपना लोगों को जो ना फ्री मिल रहा है इस टाइम। इसके अलावा ये कि हमारे जो जवान हैं जितने भी हमारे यूथ के लड़के हैं इन्होंने जो ना एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि ऐसे जगह में जो ना एक बड़ा सा डिजिटल लाइब्रेरी का जो यहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग में काम शुरू कर दी और माशाल्लाह हमारे जो छोटे बच्चे हैं इस टाइम वो सही तरीके से पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर टाइम मिले तो हम आपको ज़रूर विजिट करा देंगे, हमारा जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो उसकी लाजमी विजिट करा देंगे उधर, ये कि वो भी जो ना हमारे जवानों ने खुद किया है। बहुत मज़ा आया भाई, बड़ी मेहरबानी सर। आपने अपना नाम हामिद, गुलाम हामिद अली शाह जी सर। ज़रूर सर, थैंक यू, ज़रूर सर, वेलकम, ज़रूर सर, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू बहुत। बॉस क्या दिखाना चाह रहे हैं सर? यहाँ पर गिरचा में एक सबसे पुराना जो कि 400 साल पुराना ओल्ड मॉस्क है वो आपको दिखाना चाहता हूँ, कि आप आ सकते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। रात के अंधेरे में नजर आएगी? आएगी सर, बस फिर भी कोशिश कर लेंगे। ये हमारा कैफे के साथ साथ है, तो ये है उसका दरवाज़ा, और पता है कि उस टाइम ये इसलिए ये छोटे बनाते थे दरवाज़ा क्योंकि एज अ रिस्पेक्ट तौर पर सर झुका कर जाना पड़ते थे, तो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो इसलिए, और ये जो डिज़ाइन किया गया है ना उनका जो ना उसका डिज़ाइन किया गया मतलब कि मुख्तलिफ है, इसका लॉजिक है इसके अंदर। यह आज सर मैं आपको दिखाते जाऊँगा। वही जो है कदीम ज़माने में जो जिस तरह इबादत करते थे उसी तरह हमने इसको बरकरार रखा है, यहाँ लाइट नहीं लगाई लेकिन कैंडल लगा के फिर ये यहाँ पर जो ना प्रे करते हैं, और ये आपको नज़र जो आ रही है ये पंजतन पाक के नाम से बनाया गया है। सुभान अल्लाह, ये मेंबर है, वाह, इमाम साहब की जगह जहाँ नमाज पढ़ाई जाती है और इसी जगह में कैंडल में इबादत किया जाता है। जी जी, चाइना जब ट्रेड होते पुराने टाइम में तो लोग यहाँ पर आके इबादत करके चले जाते थे। अच्छा जी जी, तो कौन लोग आके इबादत करते? मतलब हर मुसाफिर आकर इबादत करता है, चाहे वो किसी भी मजहब का। जी जी जी, हर मजहब के लिए जो ना यहाँ पर अलाउ है। Thank you.
exercise to the cultural dance. Must come, must do it. Jani, we are the king. पाकिस्तान से भाग गया था किधर जाएंगे किधर सिक्योरिटी प्रॉब्लम सिक्योरिटी प्रॉब्लम हां जीत गए माना औरतें घर का खाना बनाती हैं मगर मर्द खाना भी पकाना जानता है कमाने के लिए। ये कोई ट्रेडिशनल बेलन लग रहा है मुझे, क्रिकेट की विकेट है उससे रोटी पकाई जाती है ना? पता नहीं। हाँ क्रिकेट की विकेट है।